पहला क्वेश्चन है आपके लिए यहां पर कि एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है ना। एक्सीडेंटियल केस वाला ही है कि ट्रेन की दुर्घटनाग्रस्त हो गई ट्रेन और उसमें कुछ खराबी आ गई। तो भाई जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है भाई, जितना भागोगे अपनी प्रॉब्लम से वो उतना ही पीछा करती हैं। तो आप एक्सीडेंटल केस से भागते हो तो भाई आज का सेशन स्टार्ट ही वहीं से हो रहा है। अब भागो, अब कहां जाओगे भाग के। सो क्वेश्चन है आपके लिए कि एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है, 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर वह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो यह बस 30 मिनट लेट होती है। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी कितनी है यह आपको पता करना है। इसके लिए सवाल लगाने की क्या जरूरत है, गूगल पे कर लो, 200 किलोमीटर है ना, यही तो है ना। दिल्ली से आगरा कितना दूर है, 200 किलोमीटर। ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो अब इस सवाल को हमें समझना रहेगा। तो सवाल को समझाने से पहले हम जरा एक चीज को आपको समझाना चाहेंगे कि जो एक्सीडेंटल केस वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हम इतना ज्यादा डर के रहते हैं कि भाई परेशान रहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होएगा, बहुत मुश्किल है ना। तो एक बार जरा ये कॉन्सेप्ट को समझ लो, जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा ईजी लगेगा। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ 2 लाइन में आंसर आता है, सिर्फ 2 लाइन में। तो एक बार इनके कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लीजिए। सीन क्या रहा कि भाई यहां से दिल्ली से आप आगरा, ये दिल्ली और ये आगरा, ठीक है, ट्रेन यहां से आगरा तक जाएगी, क्लियर है यहां तक। अब क्या हुआ, ट्रेन सुबह 8 बजे चली और 6 घंटे के बाद कुछ खराबी हो जाती, तो सपोज करो कि 6 घंटे बाद ट्रेन कहां पे पहुंच गई होगी, यहां पर पहुंच गई होगी, आफ्टर 6 आवर्स ट्रेन यहां पर पहुंच गई होगी, क्लियर है। इसके बाद ट्रेन में आ गई खराबी और ट्रेन चल रही है अपनी चाल का 2/3 चाल से। अब अगर 2/3 चाल से चल रही तो उसकी इनिशियल स्पीड कितना मान लिया जाए, हम इनिशियल स्पीड मान लेते हैं 3 यूनिट था। अगर इनिशियल स्पीड 3 यूनिट था तो ट्रेन खराब होने के बाद अब इसकी स्पीड कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। सिंपल है, पहले सवाल है इसलिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो समझ लीजिएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, दूसरी सिचुएशन इन्होंने और दे रखी है कि बोले अगर यही कंडीशन इस तरीके से कुछ रही होती कि ये आगरा है ये दिल्ली है और ट्रेन हमारी यहां से चली लेकिन इस जगह पर खराब ना होके ये यहां से 200 किलोमीटर अगर आगे खराब हो जाके, ये सवाल में लिखा है कि अगर ये 200 किलोमीटर आगे खराब हो तो यहां पर खराब ना होके सपोज कर लो कि ये ट्रेन यहां पर खराब हुई आके। कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। ये ट्रेन अगर यहां पर खराब होगी तो 30 मिनट लेट पहुंचती है। दैट मींस यहां से लेकर यहां तक ये ट्रेन सही चली है, इसका मतलब इधर पे स्पीड इसकी है 3 यूनिट, तो खराब यहां पर हो गई, इसके बाद इसकी स्पीड होगी 2 यूनिट। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, है ना। ये पॉइंट क्या क्लियर हुआ, अभी तो सवाल ही लिख रहे हैं, आपका सवाल ही आपको बता रहे हैं। और इस सिचुएशन में जो ट्रेन है वो 30 मिनट लेट पहुंच रही है, जबकि पहली जो सिचुएशन थी वहां पर जो ट्रेन है वो 40 मिनट लेट पहुंच रही है। डन। अब यहां पे जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है, देखो यार सवाल में प्रॉब्लम तब तक नहीं आती है जब तक चीजें सेम रहे, जहां चीजें बदल जाती हैं प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब जरा एक बात बताओ हमें, अगर हम यहां की बात करें इस डिस्टेंस की, यहां पर ट्रेन की स्पीड 3 यूनिट थी, यहां पर इस डिस्टेंस पर इधर पर भी ट्रेन की स्पीड 3 ही यूनिट होगी, तो कोई डिफरेंस यहां से क्रिएट होएगा नहीं होगा। बात करते यहां की, इतने पोर्शन में ट्रेन की स्पीड कितना था, आपको सर 2 यूनिट, और इतने पोर्शन में ट्रेन की स्पीड कितना है, 2 यूनिट, तो यहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो भी है यहां पर 40 मिनट लेट पहुंच रही है, यहां पर 30 मिनट लेट पहुंच रही है, जो 10 मिनट का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो क्यों क्रिएट हो रहा है। आप कहोगे कि सर ये जो डिफरेंस डिस्टेंस है ना 200 किलोमीटर की, इस 200 किलोमीटर में ट्रेन की स्पीड इस जगह पर 2 यूनिट है और इस जगह पर ट्रेन की स्पीड 3 यूनिट है और उसी की वजह से ये 10 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ये पॉइंट सभी को समझ में आया, ये सुनो
ठीक है, ये पॉइंट सभी को समझ में आया कि बाकी पूरी सिचुएशन ट्रेन की पूरी जर्नी सेम है, बस डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो रहा है कि यहां पर जो 200 किलोमीटर ट्रैवलिंग हुई है वहां पर ट्रेन की स्पीड 2 यूनिट है, और इधर पर जो 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है वहां पर ट्रेन की स्पीड 3 यूनिट है, बस इसी डिफरेंस की वजह से यहां पर 10 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हुआ। ये पॉइंट क्लियर है? बस इसी पॉइंट पे हमें सवाल को डिस्कस करना है और कहानी खत्म। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए हमें, इन दोनों सिचुएशन में देखा जाए तो भाई डिस्टेंस कितना है? आप कहोगे सर 200 किलोमीटर, और ये 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है हमने एक बार 2 यूनिट की स्पीड से और एक बार 3 यूनिट की स्पीड से। क्लियर? सवाल अब आपका यहां से लगना स्टार्ट हो रहा है, यहां तक तो आपको समझाया था कॉन्सेप्ट कहां से बनेगा। ठीक है, सवाल अब यहां से लगना शुरू हो रहा है कि 200 किलोमीटर की जो जर्नी है वहां पर एक बार स्पीड हमारी 2 यूनिट थी और एक बार स्पीड हमारी 3 यूनिट थी। तो ऑब्वियसली अगर स्पीड 2 और 3 यूनिट है, तो अगर स्पीड 2 और 3 यूनिट है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? आप कहोगे जो भी टाइम लगेगा वो 3 और 2 के रेशियो में लगेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? 3 और 2 के रेशियो में टाइम लगेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके हिसाब से? आप बोलोगे सर मेरे हिसाब से तो 1 यूनिट है, और क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना है? क्वेश्चन के हिसाब से 10 मिनट है। तुम्हारे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस अगर 10 मिनट के बराबर है तो ये 3 जो यूनिट लग रहा है ये कितना होगा? आप कहोगे सर 30 मिनट। ये सुनो, और ये कितना है? बोले सर ये है 20 मिनट। मतलब यह है कि एक्सीडेंटियल स्पीड से इस 200 किलोमीटर को ट्रैवल करने में ट्रेन को आधा घंटा लगता है, और उसकी ओरिजिनल स्पीड से इस 200 किलोमीटर को ट्रैवल करने में ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट। तो क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड बताओ। अब आपको पता है कि ओरिजिनल स्पीड जो है वो 20 मिनट में ट्रेन जो है वो 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो इसकी ओरिजिनल स्पीड कितना हो जाएगी? 20 मिनट। हमें 60 मिनट का पता करना है, 60 मिनट में 600 किलोमीटर, तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इस सवाल का ओरिजिनल स्पीड कितनी निकल के आ गई? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ भाई एक्सीडेंटल केस कहीं से टफ लग रहा है? रेशियो से तो आप जो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है वो मैक्सिमम टाइम रेशियो से ही सॉल्व करते हो, वही तो यहां पर किया है, आंसर पे पहुंच गए अगर ये सब कॉन्सेप्ट हमें पता है तो। ठीक है, अच्छा अब जब हमने ओरिजिनल स्पीड निकाली तो कभी कभार आपसे पूछेंगे कि डिस्टेंस कितना है, और इस सवाल में आपसे वही पूछा गया डिस्टेंस कितना है। अब अगर हमने ओरिजिनल स्पीड फाइंड कर ली है तो हम तो आगे की काम सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। अब क्या रहा यहां से समझो यार, ओरिजिनल स्पीड फाइंड कर लिया, अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या रहा यहां पर, ये 6 घंटे में जर्नी स्टार्टिंग वाली ट्रेवल करी है, स्पीड 600 की है, तो ये जर्नी कितना हो जाएगी? 3600 किलोमीटर। यस और नो? ये जर्नी कितना हो जाएगा? 3600 किलोमीटर। यहां तक पॉइंट समझ में है? अब समझो यार यहां से 10 मिनट का डिफरेंस, यहां पर ये ओरिजिनल स्पीड है, ये ओरिजिनल स्पीड है और ये एक्सीडेंटल स्पीड है, 10 मिनट के डिफरेंस की वजह से कितनी ट्रैवलिंग हुई? बोले सर 200 किलोमीटर की। तो अगर ट्रेन पूरी डिस्टेंस ओरिजिनल स्पीड से ट्रैवल करती तो डिफरेंस कितने का बन रहा है? 40 मिनट का। 10 मिनट पे अगर 200 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो 40 मिनट पे कितने का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा? 800 किलोमीटर का। मतलब ये जो जर्नी है ये यहां से यहां तक कितनी होगी? 800। 3600 ये वाला पॉइंट था, 800 ये वाला है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3600 और 8, 4400। और यही इस सवाल का उत्तर है ना? मैक्सिमम टाइम आपसे सवाल यहां तक पूछा जाता है, आज एक स्टेप आगे और बढ़ गए तो भाई आपसे डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो अब डिस्टेंस फाइंड करने में क्या किया? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये सब देखो, देखने में क्या लगता है कि कॉन्सेप्ट, मेन चीज क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं या प्रैक्टिस कम करते हैं तो वो चीज हमें टफ लगती है, और जब हम उस चीज पर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो वही चीज बहुत ज्यादा ईजी लगने लग जाती है। क्लियर है? तो आपको शायद उम्मीद करते हैं कि इस सवाल के बाद एक्सीडेंटल केस थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगला सवाल है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक रखा हुआ है हमने, इसमें एक बार ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, मतलब ट्रेन में एक बार खराबी हुई है, अगले सवाल में 2 बार एक्सीडेंट होएगा, वो ज्यादा टफ होता है ना, है ना? तो एक बार कॉन्सेप्ट समझाया तो आपको जरूर लग रहा होगा कि लेंदी है, अगले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, सीधे समझाऊंगा कि सॉल्व कैसे करना है, वहां आपको मजा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यह सवाल है आपके लिए, देखो इसे,
कि एक रेलगाड़ी अपनी पूरी यात्रा के दौरान दो बार दुर्घटनाग्रस्त होती है, दो बार एक्सीडेंट हुआ। टफ लगता है ना, डर लगता है इस सवाल से। आज देखते हैं कि भाई डर खत्म होता है या नहीं होता है। एक रेलगाड़ी अपनी पूरी यात्रा के दौरान दो बार दुर्घटनाग्रस्त होती है। पहला जो एक्सीडेंट है वो 150 किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है। ठीक है, गाड़ी निकली, 150 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल उसकी वास्तविक चाल का 2/3 हो जाती है, 2/3 हो जाती है। दैट मीन्स हम ओरिजिनल स्पीड कितना मानेंगे? 3 यूनिट। तो स्पीड कितना रह जाएगी? 2 यूनिट। क्लियर है? ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके 200 किलोमीटर बाद गाड़ी फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी का दूसरा एक्सीडेंट हो गया, 200 किलोमीटर के बाद गाड़ी का फिर से एक्सीडेंट हो जाता है, और उसकी जो चाल है वो उसकी वास्तविक चाल का 1/3 हो जाती है, ओरिजिनल स्पीड का 1/3। तो ओरिजिनल स्पीड तो हमने 3 मानी थी, तो भाई वही 1/3 माना है, तो अब स्पीड 1 यूनिट बची होगी। अगर सपोज करो यहां पर 1/3 ना बोल के 1/4 बोल देते, तब क्या करते? बोले सर ओरिजिनल स्पीड यहां पर 2/3 बोला है, यहां पर 1/4 बोला है, एलसीएम लेके ओरिजिनल स्पीड 12 कर लेंगे, कोई नई बात? बोलो नहीं, सब कुछ पड़ा हुआ है ना, कुछ भी नया नहीं रहेगा। तो ये चीज रही, अब स्पीड होगी उसकी 1/3। उसके बाद वह रेलगाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर 9 घंटे लेट पहुंचती है। अगर दोनों दुर्घटनाएं 50 किलोमीटर और अधिक दूरी पर हुई होती तो गाड़ी पहले से 2 घंटे पहले पहुंच जाती, मतलब 7 घंटे लेट होती सिर्फ। तो गाड़ी की ओरिजिनल स्पीड आपसे पूछा गया है, डबल एक्सीडेंटल केस है भाई, कैसे सॉल्व होएगा? है ना, बहुत टफ सवाल है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलो भाई इस टफ सवाल को सॉल्व किया जाए। तो एक गाड़ी चली यहां से, और ये इसका डेस्टिनेशन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है। यहां से निकली गाड़ी और 150 किलोमीटर चलने के बाद, 150 किलोमीटर चलने के बाद इसका पहला एक्सीडेंट हो गया, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो जब पहला एक्सीडेंट हो गया तो इसकी स्पीड हमने ओरिजिनल स्पीड 3 यूनिट मानी थी, तो यहां पर स्पीड इसकी 3 यूनिट रही। जब एक्सीडेंट हो गया तो अब इसकी स्पीड 2/3 बची, मतलब अब इसकी स्पीड 2 यूनिट रह गई। क्लियर? फिर क्या हुआ, बोले इसके बाद यह गाड़ी 200 किलोमीटर आगे बढ़ी, और 200 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद इस जगह पर इस गाड़ी का फिर से एक्सीडेंट हो गया। कितना चल गए आप? 200 किलोमीटर। इसके बाद यहां पर फिर से एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद अब स्पीड रह गई 1/3, ओरिजिनल स्पीड का 1/3 रह गया, तो इसका मतलब अब स्पीड रह गई 1 यूनिट। और इतनी सब प्रॉब्लम्स होने के बाद यह गाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर 9 घंटे लेट पहुंची है। पॉइंट समझ गए ना? अच्छा ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है? इन्होंने बोला कि अगर ये दोनों एक्सीडेंट 50-50 किलोमीटर आगे हुए होते, मतलब ये आपकी स्टार्टिंग से डेस्टिनेशन, पहला एक्सीडेंट 150 पर ना होके थोड़ा सा आगे हुआ होता 200 किलोमीटर पर, क्योंकि 50 किलोमीटर आगे बढ़ाना है, तो ये 200 किलोमीटर पर हुआ होता, तो भाई यहां तक तो ओरिजिनल स्पीड 3 यूनिट की है। अच्छा अब इस एक्सीडेंट को भी 50 बढ़ाएंगे, तो भाई अगर इधर 50 बढ़ा लिए तो इधर भी 50 बढ़ाओगे, तो भाई ये सेक्शन तो पूरा कितना रहेगा? बोले सर ये सेक्शन तो 200 किलोमीटर का ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, और यहां पर स्पीड इसकी 2 यूनिट है। और फिर जब दूसरा एक्सीडेंट यहां पर हुआ तो अब स्पीड इसकी 1 यूनिट रह गई। ओके, और इतना सब होने के बाद में ये कितने घंटे लेट हो रही है? आप कहोगे सर 7 घंटे लेट। अब बताओ डिफरेंस कहां से क्रिएट हुआ? अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया, डिफरेंस कहां से क्रिएट हुआ? देखो यार, समझने वाला पॉइंट यहां पर सिंपल सा ये है कि 2 यूनिट स्पीड 200 किलोमीटर के लिए यहां पर भी रही, 2 यूनिट स्पीड 200 किलोमीटर के लिए यहां पर भी रही, तो इसने तो डिफरेंस क्रिएट किया नहीं होगा। डिफरेंस क्रिएट कहां से हुआ? बोले यहां पर 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर 3 यूनिट से जा रहे हैं, और यहां पर 200 किलोमीटर 3 यूनिट से जा रहे हैं, तो जो 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए हो ना 3 यूनिट से, वो एक्चुअल में इस केस में 1 यूनिट से गए हो 50 किलोमीटर। तो डिफरेंस कहां से क्रिएट हुआ? 50 किलोमीटर से क्रिएट हुआ। और कौन सा? बोले इस वाले केस में 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट से ट्रेवल कर रहे हैं, और इस केस में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 यूनिट से ट्रेवल कर रहे हो, और उस डिफरेंस की वजह से ये 9 घंटे लेट पहुंच रही है, और ये वाली 7 घंटे, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस बन रहा है। समझ में आया सब कहानी? अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन पे पहुंच जाओ अपने, क्वेश्चन खत्म हो चुका है यहां के बाद। 50 किलोमीटर का एरिया है,
50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक बार आप ट्रेवल कर रहे हो फर्स्ट केस में आप एक यूनिट की स्पीड से, सेकेंड केस में आप ट्रेवल कर रहे हो 3 यूनिट की स्पीड से। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना होगा? आप कहोगे सर यहां पर 3 यूनिट लगेगा टाइम और यहां पर टाइम लगेगा 1 यूनिट। आपके हिसाब से टाइम का डिफरेंस कितना है? बोले सर मेरे हिसाब से तो 2 घंटे का है। रेशियो के हिसाब से कितना है? रेशियो के हिसाब से भी 2 घंटे का है। तो जब रेशियो के हिसाब से भी 2 घंटे का, दैट मींस 1 यूनिट वाली स्पीड से ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे। और ओरिजिनल जो स्पीड है 3 यूनिट, उससे कितना टाइम लग रहा है? तो आप कहोगे सर 1 घंटे। मतलब ओरिजिनल स्पीड से 50 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल कर लेते हैं। इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। खत्म। सवाल कितना बड़ा है? बोले सर इतना बड़ा सवाल है, ये तो सवाल हम स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। मेन चीज क्या है? कॉन्सेप्ट पकड़ना, कि कॉन्सेप्ट ऐसा समझो कि सवाल कितना भी खतरनाक बना है। अब हमें यहां पे क्या पकड़ना था भाई? हमें यही तो देखना था कि डिफरेंस कौन सी डिस्टेंस ने क्रिएट किया। बोले डिफरेंस क्रिएट किया है इस 50 किलोमीटर ने। और डिफरेंस कैसे क्रिएट किया? बोले एक सीन में इस 50 किलोमीटर को हम 3 यूनिट से ट्रेवल कर रहे हैं, एक सीन में इस 50 किलोमीटर को 1 यूनिट से ट्रेवल कर रहे हैं। तो स्पीड का रेशियो 1:3, टाइम का रेशियो 3:1। हमारे हिसाब से एक्चुअल में भी 2 घंटे का डिफरेंस है। यहां पर भी सॉल्व कर लिया, 1 घंटे में हम ओरिजिनल स्पीड से 50 किलोमीटर जा रहे हैं, जिसका मतलब ओरिजिनल स्पीड 50 किलोमीटर पर आर। तो मेन चीज क्या है कि सवाल देख रहे हो कि यार खतरनाक है, बट अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? यस और नो? दूसरा एक्सीडेंट बोला है तो सेकेंड वाला 250 क्यों नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, एक एक्सीडेंट यहां पर हुआ और एक एक्सीडेंट यहां पर हुआ। अब क्वेश्चन में हमने ये बोला कि एक्सीडेंट जो है, अगर दोनों एक्सीडेंट, कहां गया क्वेश्चन? यदि दोनों एक्सीडेंट 50 किलोमीटर और आगे हुए होते, दोनों एक्सीडेंट अगर 50 किलोमीटर आगे हुए, तो भाई ये वाला एक्सीडेंट यहां नहीं होता, ये वाला एक्सीडेंट यहां पर होता 50 किलोमीटर आगे, और ये वाला एक्सीडेंट यहां ना होते, ये वाला एक्सीडेंट यहां पर होता 50 किलोमीटर आगे, तो भाई एक्सीडेंट तो यहीं पर पहुंचेगा। यस और नो? सवाल की बातें पकड़ो, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं शायद दोनों सवाल समझ में आए होंगे आपको, और आगे से अब एक्सीडेंट वाले सवालों में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं।